नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो है हिस्ट्री जीके क्वेश्चन सीरीज की वीडियो नंबर 11। यदि आपने पहली 10 वीडियो नहीं देखी है तो जो हमारी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सभी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप किसी सरकारी नौकरी या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि अनअकैडमी पर मैंने बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की हुई है। वे वीडियोज और वे कोर्स देखकर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। आपको अपनी स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, महापदानंद, धनानंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अंतिम सम्राट पूछा गया है नंद वंश का, तो वो था धनानंद। इसकी या बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके संस्थापक की, यानी कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो महापदानंद ने की थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ए गुप्त, जो गुप्त वंश था उसके द्वारा किया गया था, या फिर लिच्छवी वंश के द्वारा, या फिर मौर्य वंश के द्वारा, या फिर नंद वंश के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, लिच्छवी वंश के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था, तो वो था डेरियस, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यानी किन का है, बौद्धों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, फिर जैनों का है। तो दोस्तों, ये है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ए महिपाल ने, बी धर्मपाल ने, सी गोपाल ने, या फिर डी देवपाल ने। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। ए शाक्य में, बी लिच्छवी में, सी जांत्रिक में, डी सल्लास में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी जांत्रिक में। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर की माता का नाम क्या था, या फिर महावीर की माता कौन थी। इसके भी चार ऑप्शन है, ए देवनांदी, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है बी त्रिशला, महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि जो ये चार ऑप्शन, चार विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, नालंदा, वैशाली, गांधार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है नालंदा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, उपाली, मखली गोसाल, आनंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी मखली गोसाल। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस करवाए। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले आते थे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपने जीके गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।